फिर हमने इतना तो सब देख लिया, अब और क्या जाने प्रकृति के बारे में। तो आप अगर और जानने की चेष्टा करेंगे तो कोई भी विषम परिस्थिति अगर आती है, विषम परिस्थिति मतलब या कोई चैलेंज आ गया आपके सामने, तो आप उसको कैसा फेस करोगे, इससे भी समझ में आता है उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। तो अगर कोई चैलेंज आ जाएगा सामने, तो बात प्रकृति व्यक्ति को वो एकदम से घबरा जाएगा कि अरे ये क्या आ गया मेरे सामने, मैं तो कर ही नहीं सकता। और पित्त प्रकृति व्यक्ति जो होगा वो पहले घबराएगा, फिर उसको फेस करेगा। पर कफ प्रकृति का व्यक्ति निडर होता है, कभी भी डरता नहीं है, और जो भी लाइफ में उनको चैलेंजेस मिलते हैं उसको वो अच्छे से फेस करता है और उसमें प्रॉपर डिसीजन लेके बाहर निकलता है। पर पित्त प्रकृति जो होते हैं वो पहले घबराते हैं, पर फिर डिसीजन लेने में वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, बेटर डिसीजन लेते हैं। इसलिए पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वात पित्त कफ एनालिसिस होता है। अब इसमें एक चैलेंज आता है कि भाई कफ प्रकृति व्यक्ति को भी विबंध की समस्या रहती है, तो दोष अनुसार दोष वय अनुसार भी दोष शरीर में बढ़ते घटते। वय अनुसार, वय मतलब उम्र, तो स्वाभाविक रूप से दोष त्रिदोष जो हैं वो शरीर में बढ़ते और घटते हैं उम्र के अनुसार। जैसे बाल्यकाल है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, तीन वर्गीकरण है आयु के, ये तो ठीक है ना, बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का कफ बढ़ता है, इसलिए बच्चों को कोल्ड कफ और इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वो अवस्था ही कफ प्रदान दोष की है। अब उस समय में कुछ भी वो ऐसा आहार विहार सेवन करेंगे तो उनका कफ दोष तुरंत बढ़ेगा। अब अगर उस शिशु की स्वाभाविक प्रकृति भी कफज है तो उसको कफ रोग बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे बाल्यकाल में। बाल्यकाल समाप्त होने के बाद जब युवावस्था में पहुँचते हैं तो फिर पित्त दोष बढ़ जाता है, और क्योंकि पित्त दोष उत्साह और शक्ति का सूचक है, इसलिए जितना भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है अपने जीवन में सबसे अधिक वो पित्त की अवस्था युवावस्था में ही करता है। वृद्धावस्था में हर व्यक्ति आराम करना चाहता है, हम उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं ओल्ड एज में जितने एफिशिएंट हम अपने यूथ में होते हैं। जब आप अपनी युवावस्था में होते हैं तब आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी आपकी नहीं होती, वो मंद हो जाती है, कम हो जाती है वृद्धावस्था में। क्यों? क्योंकि जब आप वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, बाल्यकाल में आपके शरीर की जो धातुएं हैं जो मैंने बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब तो धातुएं पोषण हो रही होती हैं। युवा अवस्था में पहुंच के उनका पोषण जो है वो हो चुका होता है, धातुओं का जितना पोषण होना होता है हो चुका होता है। युवा अवस्था के बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो धातुएं स्वाभाविक रूप से क्षीण होती हैं, और शरीर में जब भी कहीं क्षय होगा या कहीं भी क्षीण होगा कुछ भी, तो वात दोष स्वभाव से बढ़ता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना संधिगत वात, तो भाई संधिगत वात में क्या है, डॉक्टर साहब मेरे तो घुटनों के कार्टिलेज घिस गए। तो कार्टिलेज घिसे मतलब आपके जो जोड़ थे, जो संधि थी, उसके बीच में जो अवलंबक कफ था वो घिस गया, उसका क्षय हो गया, इसलिए वहाँ पर वात दोष बढ़ गया। इसे आपको संधिगत वात बोला है, जानुगत वात बोलते हैं उसको। और ये समस्याएं वृद्धावस्था में ज़्यादा होती हैं, जोड़ों में दर्द होना, आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना। एक बच्चे में जितनी एनर्जी, अगर आप एक बच्चे के साथ पूरा दिन खेलेंगे तो हम एक बच्चे के साथ पूरा दिन नहीं खेल सकते, वो दो तीन घंटे में हमको पूरा थका देगा। आप ये समझिए, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था है, कफ दोष प्रधान है, और कफ जो है वो बलवान दोष है, तो उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। कफ प्रकृति का व्यक्ति आप देखेंगे, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी भी नहीं थकते, हमेशा ऊर्जावान देखते हैं उनका चेहरा, वो सुबह 4 बजे उठेंगे तब से लेकर के जब तक वो सोने जाएंगे तब तक एक जैसा दिखता है, क्योंकि वो कफ कफ के कारण है, उनके शरीर में जो बल है वो उनके कफ दोष के कारण, स्वाभाविक कफ दोष के कारण।
ऐसे पित्त प्रकृति व्यक्ति क्या होगा, पित्त प्रकृति व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा पर एक समय के बाद वो थक जाएगा, और वात प्रकृति व्यक्ति होगा उसको आप बोलोगे ना ग्लास इधर से उठा के उधर रख दो उसमें भी थक जाएगा। सबसे क्षीण बल जो होता है वो वात प्रकृति पुरुष में होता है, तो मध्यम बल होता है आप मेहनत करेंगे आप थकेंगे, ये पित्त प्रकृति। पर आप मेहनत कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं फिर भी नहीं थक रहे हैं, तो आपका जो कफ है वो कफ दोष स्वाभाविक कफ है जो प्राकृत अवस्था में, इसलिए आपको ऊर्जा रहती है। वृद्धावस्था में इसीलिए वात दोष स्वभाव से बड़ा होता है तो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाती है। वृद्धावस्था में हम देखेंगे व्यक्ति चिड़चिड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रलापी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी भूख भी बहुत कम हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, दृष्टि कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। क्यों कम होता है? क्योंकि आपकी धातुएं क्षीण होती है इसलिए ये कम होता है, क्योंकि आपका वात दोष स्वभाव से बढ़ रहा है। अब अगर आप वृद्धावस्था में हैं और स्वभाव से आपका आपकी स्वाभाविक प्रकृति वातज है, तो भाई वो फिर अगर आप अपने वात का नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको वृद्धावस्था में परेशानी होनी ही है, आपको वातज रोग होने से कोई नहीं बच सकता। इसे बोलते हैं आप अभी से नियमित दिनचर्या रखिए, अपना आहार विहार जो है वो नियमित रखिए, अपनी स्वाभाविक प्रकृति को समझिए, उसके अनुसार आप आहार विहार करिए। बात प्रकृति का व्यक्ति जब हम युवावस्था में होते हैं तब हमें पता तो चलता नहीं है, तो अरे क्या होता है, हमने बार बार खाना खा लिया, बहुत ओवर ईटिंग कर दी तो क्या हो गया, मील्स स्किप कर दी तो क्या हो गया, नहीं वो आपके बाद दोस्त को इम्बेलेंस करो, उसका रिजल्ट आपको वृद्धावस्था में जाकर के दिखेगा। तब फिर हम जाते हैं वेलनेस सेंटर पे डिटॉक्स करने के लिए, फिर जरूरी पाता है वो बहुत ग्रेजुअली आता है, क्योंकि हमने संचय जो है वो इतना लंबे समय का संचय है दोष का कि उसका शोधन होने में भी उतना ही समय लगता है। और अगर इसी बात का ध्यान अगर आप अपनी युवावस्था से रखें, अगर युवावस्था ही से हम ये ध्यान रखें कि नहीं हमारी जो धातु है वो पुष्ट रहे, हम अपने प्रकृति के अनुसार जो हमें आहार विहार करना चाहिए वो करें, हम नियमित रूप से शरीर का शोधन करते रहें, तो कभी भी वृद्धावस्था में जाकर के इस प्रकार से रोग आपको पीड़ित नहीं करेंगे। रसायन चिकित्सा एक आयुर्वेद में चिकित्सा है, रसायन चिकित्सा, उसका वर्णन ही आचार्य ने इसलिए किया, एंटी एजिंग बोलते हैं उसको। तो रसायन चिकित्सा नहीं कि हम आपको कोई दवाई दे देंगे और आप ठीक हो जाओ, रसायन चिकित्सा में ये भी सम्मिलित होता है कि सम्यक रूप से समय अनुसार शरीर का शोधन करना, प्रकृति अनुसार आहार का सेवन करना, बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करना, डेली एक्सरसाइज और योगा करना और मेडिटेशन करना। तो वात पित्त कब समझ में आया आपको, प्रकृति समझ में आई आपको, वातज पित्तज प्रकृति क्या होती है, कफज प्रकृति क्या होती है। अब ये दोष बैलेंस्ड रहे इसके लिए हमको क्या करना चाहिए डे टू डे लाइफ स्टाइल में। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई कि एक तो व्यक्ति की होती है स्वाभाविक प्रकृति जो हम नहीं बदल सकते, वो आपके फिंगरप्रिंट की तरह होती, कभी भी नहीं बदलती, आजीवन उसी प्रकार से रहती। एक मैंने आपको बताया कि नहीं वय अनुसार भी शरीर में दोष बढ़ते और घटते हैं, है ना, बाल्यकाल में कफ दोष, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में कफ दोष बढ़ता है। एक अहोरात्र मतलब 24 घंटे में भी वात पित्त कफ दोष बढ़ते और घटते हैं। जिस समय में जो दोष बढ़ा हुआ है उसके अनुसार अगर हम अपना आहार विहार रखेंगे तो आपके दोष कभी भी प्रकोपित नहीं होंगे, हमेशा बैलेंस स्टेट में रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे, संतुलित रहेंगे। तो ये कैसा समझा जाए कि 24 घंटे में एक अहोरात्र में 24 घंटे में कौन सा दोष कब बढ़ रहा है ये कैसे समझें, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कुछ, मैंने आपको इतने गुण बताए वात पित्त कफ के, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा दोष कब बढ़ रहा होगा। आप में से कभी कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गया है वेलनेस सेंटर में? लगभग काफ़ी लोग गए होंगे। तो जब आप योगराम निरामयम या वेलनेस में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा आपका रूटीन कितने बजे से शुरू हो जाता है, सुबह 4 बजे से। तो 4 बजे से ही क्यों शुरू होता है, 6 बजे से क्यों नहीं शुरू होता है, 8 बजे से क्यों नहीं शुरू होता है, रात में 2 बजे से क्यों नहीं शुरू होता है, 4 बजे ही क्यों?
कभी आपने अपने वैद्य को नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब ये शटकर माप सुबह 4 बजे ही क्यों करवाते हो, ये दोपहर में भी तो करवा सकते हैं, एनीमा दोपहर में लग जाएगा तो क्या दिक्कत है। कभी हमने इस प्रकार कोई भी नहीं करता है, मैं वैद्य हूँ मुझे पता है कोई भी पेशेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं करता कि आपके सुबह 4 बजे क्यों करवाते। रात्रि 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वो वात दोष का होता है। इसमें 4 बजे का जो समय ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो निर्हरण की क्रिया के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। बेसिकली डे टू डे लाइफ में भी हमको शौच आदि से सुबह 4 बजे निवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन उस वक्त स्वभाव से आपका वात दोष बढ़ा हुआ है ना। और वात की दो गति होती है, एक अनुलोम गति होती है और एक प्रतिलोम गति होती है। अनुलोम गति मतलब जिस मार्ग से वात दोष को निकलना चाहिए वो अगर उसी मार्ग से निकल जाए तो ये उसकी अनुलोम गति होती है, और जिस मार्ग से निकलना चाहिए यदि वात दोष उस मार्ग से ना निकले किसी और मार्ग से निकले, मान लीजिए आपको डकारें बहुत आ रही है तो ये प्रतिलोम गति हो गई ना वात की। और अनुलोम गति मतलब अपानवायी की जो गति होती है, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं, मूत्र त्याग कर रहे हैं या मल त्याग कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाता है, ये गति कैसे होती है, ये गति वात के कारण होती है। मल मूत्र की जो गति होती है वो वात के कारण होती है, और उस वक्त में आपका अपानवायी का काल रहता है। अगर आप उस वक्त में निर्हरण की क्रिया करते हैं तो शरीर का सबसे अच्छा शोधन होता है, स्रोतस का सबसे अच्छा शोधन होता है। इसलिए षटकर्म आपको सुबह 4 बजे करवाया जाता है। तो अब आप लोग जब भी अगली बार डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जाइए तो बहुत राजी राजी उठिएगा सुबह 4 बजे कि हाँ ये हमारे शरीर में दोष को बैलेंस, वात रोगी को तो 4 बजे उठना ही चाहिए और शौच आदि से निवृत्त तो होना ही चाहिए, उसके पीछे पूरा कंसेप्ट है। तो सुबह रात्रि 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वो वात का समय होता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए, अष्टांग हृदय में भी बोला है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, ठीक है ना, उठ करके शौच आदि से निवृत्त होंगे। अब ये जो समय होता है वात का समय है, वात का गुण है लघु चल, तो नींद भी कैसी रहेगी इस समय में, ज्यादा गहरी नींद होती नहीं है, बहुत जल्दी नींद टूटती है। और एक बार हर व्यक्ति की नींद 3 से 4 के बीच में खुलती है, वो अलग बात है, हम करवट बदल के फिर सो जाते हैं, तो वो क्योंकि आपका वात दोष है ना, आपकी नींद इस समय में सबसे कच्ची रहेगी। और क्योंकि अगर आपको अपने चित्त को स्थिर करना है किसी एक विषय पे तो वात दोष का नियंत्रण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेडिटेशन या क्रिएटिविटी के जितने काम है वो सुबह उठ के हमको करने चाहिए। 6 बजे तक का, 4 से 6 का जो समय है वो बेस्ट टाइम होता है मेडिटेट करने का। छः बजे से लेकर के 10 बजे तक, 6 से 8 और 8 से 10, ये जो समय होता है ये कफ का काल होता है। अब आप उठे 8 बजे रहे हैं, 8:30-9 बजे फ्रेश हो रहे हैं, तो वात का तो शोधन हुआ ही नहीं ना, वात की गति तो, वात का समय तो निकल चुका है। अब जो गति होगी वो वैसे नहीं होगी, इसलिए इस समय में जो लेट जो लोग उठते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि वात का काल जा चुका है। वात की जो क्रिया है वो तो वात के समय में होनी चाहिए थी, अब तो कफ का काल आ चुका है, अब हम उठ रहे हैं, अब हमें आलस्य चढ़ेगा दिन भर, अब हमको दिन भर नींद आएगी, कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम कफ के समय में उठे, जिस समय कफ बढ़ रहा है शरीर में उस समय में हम उठे। इसलिए इस समय में आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए, 6 से 8 का जो समय है वो व्यायाम के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो कफ दोष को थोड़ी स्फूर्ति मिलेगी ना आपकी, ठीक है ना। इस समय में आप देखते हैं जब भी आप कहीं, वैसे वेस्टर्न कल्चर है कि ब्रेकफास्ट आपको किंग साइज किंग की तरह करना चाहिए, पर कहीं भी आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हम लोग एक चीज़ समझाते हैं कि ब्रेकफास्ट आप हल्का फुल्का करिए, उसमें फ्रूट्स लीजिए, ओट्स, दलिया, हल्का भोजन लीजिए, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कफ दोष बढ़ा हुआ है स्वभाव से आपका। और आप अगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गए होंगे तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि 8 बजे आपको जब 7:30-8 बजे जब हम ब्रेकफास्ट देते हैं तो क्या होता है ब्रेकफास्ट में,
स्टीम्ड स्प्राउट्स होते हैं, सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं या जूस होते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये कफ का काल है, आपको इस समय में बहुत अधिक भोजन नहीं करना है। 10 से 2 पित्त का काल है, तो 10 बजे आप भोजन कर लीजिए पित्त के काल में, कोई समस्या नहीं। आप देखिए भी अभी तो ठीक है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया, ब्रेकफास्ट का ट्रेंड आ गया, वरना पहले के ज़माने में हमने देखा है लोग 10 बजे खाना खा चुके होते थे, 10:30 बजे मैक्सिमम घरों में भोजन पक के तैयार हो चुका होता था और आधा घर खाना खा भी चुका होता था। 12-1 बजे तक तो घर का सारा काम पूरा हो जाता था। तो पहले की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत बैलेंस थी हमारी, ये अब हम बहुत डिस्टर्ब लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बहुत गलत है ये लाइफ पैटर्न। तो अगर आपको भोजन करना है आप 10 से 2 के बीच में करेंगे जो पित्त का काल होता है। तो हमने देख लिया रात्रि 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वात का काल होता है, फिर 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफ का काल होता है, उस समय हमें एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, ठीक है ना। 10 से 2 का जो काल होता है वो पित्त का काल होता है। जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस देखिए उनमें डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है ना वो इसी समय होता है, कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो इसी समय में होता है, क्योंकि पित्त का काल है ना। आप किसी भी काम को स्पीड से कर दोगे, तीक्ष्ण है वो पित्त का गुण, तो तीक्ष्णता से एकदम तुरंत से करोगे उसको, और इसी समय में आपका मेटाबॉलिज्म भी सबसे ज़्यादा हाई रहता है। दिन भर में मेटाबॉलिज्म कब हाई रहता है? तो 10 से 2 के बीच में, 12 बजे के अराउंड आपका मेटाबॉलिज्म सबसे हाई रहता है, उस समय आपको भोजन कर लेना चाहिए। और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, केवल जूस वगैरह लेते हैं 7:30-7 बजे तक, तो फिर आप लंच भी कर सकते हैं 10:30-11 बजे, ठीक है। इस समय में आपको हैवीएस्ट मील लेनी चाहिए, क्योंकि पित्त का काल है, पित्त का काम है पाचन करना, उष्ण दोष है पाचन करेगा, तो आप जो भी खाएंगे इस समय में आपको उचित रूप से पचेगा। इसके बाद 2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वात का होता है समय। इसमें और सूक्ष्म विवेचना भी करी आचार्यों ने, आचार्यों ने ये तक कहा है कि भोजन के तुरंत पहले वात प्रधान रहता है, भोजन की तुरंत बाद कफ प्रधान रहता है, और फिर पित्त दोष, और फिर वापस वात दोष आ जाता है। अब अगर हम 2 बजे बाद भोजन कर रहे हैं जहाँ वात दोष स्वभाव रूप से बढ़ा हुआ है, तो विषम अग्नि होगी ना। अब आप भोजन करेंगे तो पचेगा ही नहीं आपको, तो अजीर्ण, अरुचि, अग्निमांद ये सब होना ही है आपको। फिर 6 बजे से शाम 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक का जो समय होता है वो फिर कफ दोष का होता है, इसलिए हमको उस समय में अब हम थक जाते हैं, आलस से चढ़ जाता है, और अब लगता है आप जाकर के सो जाएं। 10 बजे आप कफ के समय में अगर सो जाएंगे तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आप भाई रात्रि जागरण मत करिए, रात्रि जागरण करने से वात दोष बढ़ता है। तो रात्रि जागरण कब कब बोलेंगे कि आपने रात्रि जागरण किया? अगर आप 10 बजे से ज़्यादा, मैक्सिमम 10:30 इससे ज़्यादा अगर आप जाग रहे हैं तो आप रात्रि जागरण कर रहे हैं, अपने वात दोष को प्रकोपित कर रहे हैं। अगर आप वातज प्रकृति के हैं, आपको वात रोग है, तो आपको ये समस्या क्योर होगी नहीं जल्दी अगर आप इस आदत को नहीं बदलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, अगर आपको कफज रोग है, और अगर आप 2 से 6 के बीच में दिवा स्वाप कर रहे हैं और कफ दोष बढ़ा रहे हैं, तो आपको कफ रोग भी कभी ठीक नहीं, ठीक है। फिर 10 से 2 का जो समय होता है वो पित्त का समय होता है। हाँ, रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो पित्त का, 2 से 6 तो फिर बात आ जाएगा ना। तो रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय है वो पुनः पित्त का काल है। इस समय में आपने जो भी खाया है वो हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म में पचता है, पर एज कम्पेयर टू डे रात में मेटाबॉलिज्म कम होता है, बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है, हम फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इसलिए एज कम्पेयर टू डे टाइम दिन की अपेक्षा रात्रि में मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो इस समय में आप जो है अच्छी नींद सोएंगे,
ठीक है ना। अब अगर कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है, किसी की आदत है कि रात में दो दो बजे तक जागे, या किसी दिन आप खुद ही अनुभव करके देखिएगा कि ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि आप रात भर सो नहीं सके, भाई आज तो रात भर सोए नहीं, तो क्या होगा, एक तो थकान तो रहेगी जो रहेगी, एसिडिटी भी हो जाती है अपने। जब हमारी सारी इंद्रियां थक कर शिथिल हो जाती है और शरीर में उस थकान के कारण तामसिक दोष जब बढ़ता है तो हमको नींद आती है। स्वाभाविक निद्रा जो है वो इस प्रकार आती है। तो जो लोग ज्यादा श्रम नहीं करते ना उनको ज्यादा अच्छी नींद आती भी नहीं है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अच्छी नींद सोता है क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां थक रही है ना, तो थकने से फिर जो तम गुण उत्पन्न होगा उससे फिर इसे निद्रा का जो स्वभाव है तामसिक स्वभाव है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। जितने में हमारे शरीर को रेस्ट जितना रिक्वायर्ड है, जितने में हम फ्रेश फील कर रहे हैं उतर के, उतना ही हमको सोना चाहिए निद्रा के बाद। तो आपको समझ में आया इससे कि आपको कब कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब आपको ब्रेकफास्ट लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए। इतनी हमने चर्चा कर ली तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि वात पित्त कफ के क्या गुण होते होंगे शरीर में, क्या क्या कार्य वात दोष और पित्त दोष और कफ दोष करते होंगे। आप बता सकते हैं वात दोष क्या कार्य करता है, उसके क्या गुण होते हैं? मैंने बोला वात केवल एक ऐसा दोष है जो गति करता है। तो उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, प्रवर्तन, आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो एक्सहेल इनहेल आप कर रहे हैं, वो भी वात दोष के कारण है। आपकी जितनी गति हो रही है वो सारी वात दोष के कारण है। किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं तो वात दोष के कारण है। आपका कुछ करने की इच्छा हो रही है, कुछ चेष्टा कर रहे हैं तो वात दोष के कारण है, ठीक है। ऐसे पित्त का क्या कर्म होता है? दर्शन। नेत्र रोग के बारे में बोला जाता है, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, नेत्र रोग की चिकित्सा करते वक्त वैद्य को ये ध्यान रखना होता है कि कफ दोष ना बढ़े, पित्त साम्य अवस्था में रहे, क्योंकि पित्त के कारण, पित्त की ऊष्मा के कारण ही दर्शन होता है। ये पित्त का कर्म है, जो हमको दर्शन हो रहा है, जो हमारी दृष्टि है वो किसके कारण है? पित्त के कारण है। आपको भूख लग रही है, अरुचि हो रही है, ये पित्त के कारण है। आपकी जो आभा है वो पित्त के कारण है। आपकी जो मेधा बुद्धि जो है वो पित्त के कारण है, ठीक है। ऐसे प्राकृत कफ जब रहेगा तो वो क्या कर्म करेगा शरीर में? कफ क्या कर्म करेगा? सबसे आलसी, सबसे मंद, सबसे स्थिर दोष है, क्या करेगा? आलस्य तो विकृत कफ करेगा। संधि बंधन करने का जो काम होता है वो कफ दोष है, है ना। शरीर को स्थिरता देने का काम कफ दोष करता है, संधि बंधन जो होता है वो उसके कारण होता है। हाँ, बैलेंस करने में समझाया ना मैंने आपको आयुर्वेदिक लॉ, उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। हाँ, तो बात पित्त कफ के बारे में आप समझ चुके अच्छे से।